हेलो भाई, मैं हूँ प्रकाश। और मूर्ति में दो टाइप के आँख बनाए जाते हैं, एक तो नॉर्मल हो गया और एक हाई। तो नॉर्मल में जैसे हम लोग का जो आँख आ गया, ये नॉर्मल में आता है। जैसे हम लोग का अगर प्रतिमा बनाया जाए या पुतला, हम लोग को जैसे अगर बोला जाए तो पुतला बनता है, तो हम लोग का आँख जैसे ये हो गया, ये नॉर्मल हो गया। अगर मूर्ति का कोई भी अगर आँख हो गया तो वो हाई हो जाता है। जैसे कोई भी प्रतिमा, जैसे देख लीजिए दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा या कोई भी प्रतिमा हो, तो उसमें का जो आँख जो होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, अलग होता है। और हम लोग का जो आँख होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। तो मैं आपको पहले हाई बता देता हूँ। हाई आँख जो होता है उसका ड्राइंग मैं आपको बता देता हूँ। तो वो ड्राइंग ज़्यादातर मूर्ति में तो हाई ही आँख चलता है। जैसे जितना भी अगर हमसे जो कलाकार जो जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादातर तो मूर्ति ही बनाते हैं। ये ढांचा जो तो कम ही बनाते हैं। जैसे हम लोग का जैसे पुतला हो गया, वो तो बहुत ही कम बनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पेपर पर ड्राइंग करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन मूर्ति में आँख बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं बता दूं कि शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आसान दोनों जगह पर है। आप जब काम करने लगेगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आसान दोनों जगह पर है। जब मैं फर्स्ट टाइम जब दुर्गा जी का मैं जब प्रतिमा बनाया था, तो उसमें दिल में एक अजब टाइप का डर हो जाता है, जिसके लगता है कि नहीं, ये काम थोड़ा सा कठिन है, नहीं होगा। लेकिन करते 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 एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो आप आसानी से कर पाते हैं। अब तो मैं देखता हूँ, एक दिन में सरस्वती पूजा का जो मैंने 65 को मूर्ति बनाया था, 65 का एक ही दिन में आँख खोल दिया, तो वो डर ख़त्म हो गया। जैसे काम करते करते एक्सपीरियंस हो गया, तो वो डर ख़त्म हो गया है। तो आइए, मैं हाई लेवल का थोड़ा सा वो जो आँख है उसका आप ड्राइंग आप देख लीजिए। उसके बाद कौन कौन सा कलर करना है, तो कलर में सबसे पहले जो ब्लैक से तो खोला ही जाता है, उसके बाद जो बीच में का जो पुतला होता है, बीच में का बौआ, वो भूरा रंग डालिएगा। उसके साइड से ब्लैक और बीच में थोड़ा सा व्हाइट डालिएगा। और ये जो ऊपर वाला जो होता है, ये इसको आप ब्लू कलर से डालिएगा। ठीक है, पहले आप देख लीजिए। आँख बनाने में जो भी जो कलर यूज होता है, वो सारा के सारा फेवरिक कलर जो आता है, छोटा वाला सीसी वाला जो आता है फेवरिक कलर, उसका यूज आप कीजिएगा। और बाकी कोई अगर समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। और अगले संडे से आपका मेरा जो व्हाट्सएप नंबर वो भी चालू हो जाएगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पर भी बात करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।